एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो है एक मेकअप लुक के ऊपर और ये है बहुत 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 सिंपल मेकअप लुक, एक क्लीन मेकअप लुक जो कि होता है बहुत इजी टू अचीव, बहुत कम प्रोडक्ट से यूज़ होता है और मतलब बहुत ज़्यादा ना आपको प्रेजेंटेबल बना देता है एकदम। जैसे छोटे मोटे जैसे डार्क सर्कल होते हैं, थोड़े बहुत आपके जो भी होते हैं एक्ने मार्क्स वगैरह, मतलब चेहरे को ना थोड़ा सा लिफ्टअप कर देता है ताकि आप थोड़े और ज़्यादा अच्छे लगे। तो ये मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ आज। तो बस बिना किसी देर के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 जो भी मैं इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊँ, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जो भी आपके पास सामान है ना आप उसी को यूज़ करो, मेरे को देख के या फिर जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, अगर आपको अच्छे तो आप ले सकते हो, बट बिना बात पे पैसे मत वेस्ट करना। जो भी प्रोडक्ट है आप बस वही यूज़ कर लेना, हमें तो बस सामान से मतलब है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। तो बस अब जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो को तो स्टार्ट कर ही चुके हैं, जल्दी से अपना मेकअप को स्टार्ट करते हैं अब हम। तो सबसे पहले मैं लूँगी कोई भी मॉइस्चराइज़र, मेरे पास फ़िलहाल है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल है, ये वाला मॉइस्चराइज़र इनका। मैंने एक्चुअली पहली बार यूज़ किया और अभी मतलब मैंने स्टार्ट ही किया इसको यूज़ करना, तो मुझे ठीक लगा, लाइट वेट है काफ़ी ज़्यादा, बट अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है ना तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला अगर मैं आपको बताऊँ तो। एक्चुअली ना मैंने ये वाला जो मेकअप लुक है ना वो मैंने एक वीडियो में भी किया था अपनी, ये वाली वीडियो में है ना, ज़्यादा स्किन केयर वगैरह नहीं करती। अगर आप स्किन केयर करते हैं काफ़ी अच्छे से तो आप वो सारे स्टेप्स भी फॉलो कर लेना, जैसे अंडर आई क्रीम है वगैरह वगैरह, आप जो भी करते हैं आप वो सब कर लेना, उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करना। जैसे मुझे अभी बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है, वैसे तो हमें घर पर भी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, बट मुझे अपने कमरे में बंद रहना है और यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ सोर्स भी नहीं है धूप आने का, तो इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए सनस्क्रीन को स्किप कर रही हूँ, बट सनस्क्रीन लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग सनस्क्रीन लगा लीजिएगा। इसके बाद मैं लूँगी एक प्राइमर, ये वाला प्राइमर है इनसाइट का मिनिमाइज़र प्राइमर, अब बस अपने यहीं पर लगा लूँगी मैं और थोड़ा सा डैप कर दूँगी। तो ना अब मैं लूँगी सबसे पहले ये वाला कलर करेक्टर, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल वगैरह हैं। मैं आपको सच्ची बताऊँ मतलब बिल्कुल एकदम सच मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा है। ये शायद कुछ 250 रुपये का आता है, मैं सारे के सारे प्रोडक्ट लिंक्स ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, बट ये इतना कम प्राइस होने के बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, प्लस आपको सारे के सारे इसमें कलर करेक्टिंग शेड्स मिल रहे हैं, प्लस कंटोरिंग शेड भी मिल रहे हैं आपको। तो मैं लूँगी इसमें से ऑरेंज करेक्टर। हमारी जो भी इस मेकअप को अचीव करने की टिप है ना वो है ये कि हम बहुत कम प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, मतलब जितनी ज़रूरत है बस उतनी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेंगे, बस इतना ही बहुत है। अब मैं इससे ज़्यादा और नहीं लेने वाली क्योंकि वरना वो ऑरेंज ऑरेंज सी लगेंगी आँखें कुछ ज़्यादा ही। थोड़ा सा इधर भी ले रही हूँ क्योंकि मेरे इधर भी है ही डार्क सर्कल, आप लोग देख ही पा रहे होंगे, निशाने थे ना और उसके निशान है, वहाँ लगा रही हूँ, बस इतना बहुत है। अब बस मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। यार मैं सच्ची बताऊँ मैं बिल्कुल भी ना मतलब वो नहीं है, वो बोलते तरीके से काम नहीं करती, तो बस मैं अपनी उंगलियों से ही इसको ब्लेंड कर लेती हूँ हमेशा, कोई ब्रश वगैरह या ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं करती। सी ऑरेंज करेक्टर लगाने से कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया है, काफ़ी हद तक मेरे डार्क सर्कल जो है ना गायब हो चुके हैं। वैसे तो मैं पहले पीच करेक्टर यूज़ करती थी, मैं अभी भी पीच करेक्टर यूज़ करती हूँ, बट जब मुझे अपनी आंखें ब्राइटन अप करनी होती है ना, थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट लुक देना होता है तब मैं पीच करेक्टर यूज़ करती हूँ, बट जब मुझे नॉर्मल मेकअप या एवरीडे मेकअप करना होता है ना तो मैं ज़्यादातर ऑरेंज करेक्टर को ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे ब्राइट नहीं होती आपकी आईज़ ना। पर अगर आपके डार्क सर्कल ज़्यादा नहीं है और आपको ब्राइटन अप लुक ज़्यादा पसंद है ना तो आप पीच करेक्टर पर भी जा सकते हैं, बिल्कुल आपकी इच्छा है। मैंने ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं भाई डार्क सर्कल गायब भी हो गए हैं। तो अब मैं ले रही हूँ, मेरे को ये वाला भी ना काफ़ी पसंद है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंसीलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये है स्विस ब्यूटी का भाई, ये सस्ता भी है और काम भी ना बहुत बहुत अच्छा करता है, एकदम हाई एंड वाला बोलूँगी मैं तो, क्या मैंने हाई एंड यूज़ किए नहीं है बट मैं तो हाई एंड बोलूँगी बस। तो ये है मेरे पास, जो मेरा शेड है वो है 03, ये मेरे को सबसे अच्छे से सूट करता है, बट अगर मुझे ब्राइट करनी होती है अपनी आँखें तो मैं इससे लाइट शेड जाती हूँ, बट ये मेरे लिए परफेक्ट है,
जितनी जरूरत है उतना ही लूंगी मैं, बस बस इतना सा ही लूंगी। थोड़ा सा आईलिड्स पे भी लगा लूंगी, थोड़ा यहाँ पे भी लगा लूंगी। हाँ बस, इससे ज्यादा मैं कंसीलर नहीं लेने वाली। अगर मुझे जरूरत फील होगी तो मैं ले लूंगी, पर मैं नहीं लूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब बस मैं इसको भी अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि हम बिल्कुल भी तरीके से काम नहीं करते हम, मतलब मैं। तो ये वाली उंगली तो मैंने ऑरेंज करेक्टर के लिए यूज करी, तो मैं अब ये वाली उंगली को यूज करूंगी अपनी, ताकि वो ऑरेंज ऑरेंज साना रह जाए। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी जो भी आईलिड्स है ना, आईलिड्स तो ये होती है ना, जो भी मतलब अपनी आंखें हैं ना, उसको सबसे लास्ट में मैं ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि ऐसा माना जाता है। और हाँ, ऐसा सच भी है, आप जितनी थोड़ी सी देर तक अगर ज़्यादा कंसीलर रखेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छे से कलर निकल के आएगा। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा है, ये वाला कंसीलर बहुत अच्छा है। मैंने देखो कितना थोड़ा सा लिया और ये कितना ज़्यादा हो गया है। तो अब बस मैं फटाफट इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और कहीं लगाने की तो सच्ची बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नीड फील नहीं हो रही। और देखो कितना प्यारा सा ब्लेंड हो गया यार, ये एकदम बहुत प्यारा सा। जहाँ जहाँ रह गया मैं माइंड नहीं करती, मेरे को चलता है, मैं ऐसे ही करती हूँ, बस मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अब मैं लूँगी इसके बाद पाउडर, ताकि मैं सेट कर लूँ जल्दी से इसको। तो ये भी मेरा ना फेवरेट है, मैं आपको अपने मोस्टली फेवरेट प्रोडक्ट्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही प्रोडक्ट है और मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो वो है ये वाला मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर। मेरा जो शेड है इसमें वो है 15 लाइट। तो ऐसी सी पैकेजिंग होती है इसकी, झाड़ के एक बारी बस इसको ना मैं लगा के छोड़ूंगी नहीं, जैसे कुछ लोग प्रेफर करते लगा के छोड़ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैं बस थोड़ा पैट पैट कर देती हूँ, थोड़ा हाथों से प्रेशर देके, बहुत थोड़ा, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं कि वो निकल जाए कंसीलर। तो मैंने अपने अब पाउडर वगैरह भी था जो वो कर लिया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी ये, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है आई लैश कर्ल करना तो आप कीजिएगा, वरना बिल्कुल ऑप्शनल है ये। आज बाल अच्छे नहीं लग रहे यार, पता है मेरा सच्ची बिल्कुल मन भी नहीं हुआ कि ना मैं बालों को हीट वगैरह लगाऊँ। चलता है, ये वेगा का है, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी। ये वाला मस्कारा, फिर से आप कोई भी मस्कारा ले सकते हैं, ये है फ्लावर ब्यूटी का मस्कारा। इस वाले का शेड है ब्लैक, फियर्सेस्ट ब्लैक, फियर्सेस्ट ब्लैक है इसका नाम। मुझे काफी अच्छा लगता है, मतलब ये आपको काफी अच्छी लेंथनिंग भी देता है, प्लस वॉल्यूम भी देता है, और एक काफ़ी टाइम ना अवेलेबल रहता है नायका पे डिस्काउंट में। तो मैं तो आपको बोलूँगी, अगर आपको चाहिए ये पसंद है तो प्लीज़ इसको डिस्काउंट में ही लेना, वरना तो 800 रुपये का है और ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। सच्ची बताओ आपको मिल जाएगा ये डिस्काउंट में, 500 रुपये तक का, मैंने भी कुछ ऐसे ही लिया था। तो बस अब बस मस्कारा लगा लेंगे हम, ज़्यादा 2 कोट बस। लग चुका है, मेरी ना आई लैशेज ना बड़ी एक दूसरे में घुसी रहती है, मैं इसको मस्कारे से जिस मर्जी से ठीक कर लूँ ना, ये घुसी ही रहेंगी फिर भी। बस ना एक और मस्कारा पड़ा है ये मेबलिन का, ये ना थोड़ा सा बचा कुचा माल है, इसमें थोड़ा सा ही बचा है। तो इसको मैं क्या करती हूँ, एज अ ना आईब्राउ जेल, मतलब आईब्रो मस्कारा बना लेती हूँ मैं इसको। वैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ है, बट ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एज अ आईब्रो मस्कारा। सी द डिफरेंस, हमारी आईब्रो भी बन चुकी है, सेट हो चुकी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते होते हैं हम। तो अब मैं लूँगी ये वाला क्रीम ब्लश के ब्यूटी का, इन द शेड स्वीट हार्ट पिंक। अगेन आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा लाइट शेड ही लेना, क्योंकि इस मेकअप लुक में डार्क शेड्स हम नहीं लगाते, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये काफ़ी थोड़े से की ही ज़रूरत होती है, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा ही लूँगी, ऊपर ऊपर से ही करना है, बाकी तो मैं इसको इधर तक नहीं पछाती। और पछाती भी तो ऊपर से जो भी बचा कुचा हाथ में बचता है ना, फिर वही शेड आता है, इससे क्या होता है थोड़ा सा लिफ्टेड लुक भी आ जाता है ना।
ये ना कैमरे में इतना शायद ना दिख रहा हो आपको, बट सच्ची बताऊँ ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, रियल लाइफ में ये काफ़ी अच्छे से दिखने वाला है। अब जो भी बचा कुचा है वो हम अपने नाक पे लगा लेंगे ताकि हम थोड़ा सा क्यूट बन जाएं, और जो भी थोड़ा सा और बचा है वो हम यहाँ लगा लेंगे। लगा लिया, बस बन गए यार हम क्यूट। ओ लिपस्टिक के लिए मैं लूंगी सबसे पहले ये वाला लिप लाइनर, ये है वेट एंड वाइल्ड का लिप लाइनर इन द शेड चेस्ट नट, काफ़ी अच्छा है वो था, अभी देखना इसका शेड भी काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं ना लगाऊं मेरे स्किल्स पे बिल्कुल मत जाना लिप लाइनर के, मैं लिप लाइनर बहुत कम लगाती हूँ इसलिए आप मुझे जज नहीं करेंगे लिप लाइनर के लिए। तो बस आउटलाइन कर लेंगे ना, हम मेरे लिप लाइनर स्किल बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे इसलिए हम जज नहीं करेंगे, ठीक है। हमको परफेक्ट नहीं चाहिए, हमको बस थोड़ा रंग चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर लगाने वाले हैं न्यू लिपस्टिक, तो वो बस इसीलिए हमने लिप लाइनर लगाया है। तो अब ये वाला लिप लाइनर लग चुका है, लास्ट स्टेप इज टू अप्लाई लिपस्टिक। तो उसके लिए मैं लेने वाली हूँ मेबलिन की क्ले क्रश। मैंने अभी वीडियो बनाई थी एक मेबलिन की टॉप लिपस्टिक्स देखना मत भूलना, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। तो उसमें मैंने लिपस्टिक दिखाई थी और मैंने उसमें बहुत बारी बोला था ये कि ना ये बहुत अच्छा शेड है, वॉश आउट करता है, बट अगर हम इसको लिप लाइनर के साथ लगाएं तो इससे प्यारा न्यूड शेड ना कोई नहीं हो सकता। तो वो है ये वाला शेड क्ले क्रश। अब बस इसको मैं अपने लिप्स पे लगा लूंगी। सी ऐसे तो वॉश आउट करता है ये, बस फिल कर लिया मैंने, कर लेंगे अब हम ताकि वो ब्राउन और ये मिक्स हो जाए। धेनते ने पेश करती हूँ मैं आपके सामने अपना क्लीन मेकअप लुक। मैंने कहा था ना ये वाली लिपस्टिक लिप लाइनर के साथ बहुत प्यारी बन जाती है यार, बहुत प्यारा न्यूड शेड ये बन गया है हमारा। तो बस यही है मेरा आज का मेकअप और यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है सच्ची बताऊँ तो। अपनी भाई सेल्फ ऑब्सेशन की तो भाई बात अलग ही है, बट स्टिल शब्द नहीं है। मेकअप काफ़ी अच्छा हुआ है, जेन्युइनली काफ़ी अच्छा हुआ है, ना ओवर लग रहा है ना अंडर लग रहा है, बस ठीक लग रहा है। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा लग गई हो, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। भाई मैं आपको पता है इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ अपनी, क्योंकि मैं किस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, सच्ची बताओ किस चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और वो कभी कभार जो परफेक्ट हो जाती है तो अंदर से जो खुशी मिलती है ना गाइस, ये वही है सच्ची में। तो बस अब आप मेरा मेकअप लुक देखिए। मतलब वो होता है ना एकदम नेचुरल। ज़्यादा बोल रही हूँ ना मैं, ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ ना अपनी, आप भी करेंगे अपनी तारीफ बिल्कुल ये वाला मेकअप करने के बाद, सच्ची बता रही हूँ। तो गाइस बस मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो लुक तो प्लीज़ 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 ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ट्राई किया नहीं किया। और अगर आप लोगों को कुछ और भी देखना है मेरे चैनल पे मुझे करते तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ज़रूर ट्राई करूँगी वो करने की अपनी पूरी पूरी 100% के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।